नियंडरथल्स को ह्यूमन स्पीसीज का करीबी रिश्तेदार भी कहते हैं। मतलब 40,000 साल पहले ये पहले ऐसे इंसान थे जो ग्लेशियर के ठंडे वातावरण में जिंदा रह पाए और जी पाए, और ये हड्डियों के हथियार बनाए थे। इनका अवशेष पहली बार 1856 में मिला था। उनका दिमाग इंसानों से भी बड़ा था। अचानक से इंसानों की दूसरी प्रजाति कहाँ लुप्त हो गई या इन्होंने अपने आप को कहाँ छुपा लिया, अभी तक कुछ पता नहीं चला।